तेज तेजस्वी में कौन बढ़िया लगता है? कहा जाता है कि लालू यादव की छवि तेज प्रताप यादव में देखी जाती है। नहीं, तेजस्वी अच्छा है, वो तो थोड़ा तेज बढ़िया कि तेजस्वी? तेजस्वी। तेजस्वी एकदम बात सही है सर, कि भाई जो है सो मतलब भाई का दुश्मन तो है ही है। हाँ, पक्का दुश्मन कर दिया सर, जब कोई नेता नहीं किया जी कर दिया हूँ। तेज प्रताप कर सकते हैं कि तेजस्वी? कर देंगे, तेज प्रताप कर देंगे। तेज बड़ा, तेज बढ़िया कि बढ़िया वही है, बढ़िया तेज प्रताप है। तेजस्वी से बढ़िया है? हाँ। कैसे? उसका सोच दूसरा है। आपको क्या लगता है, तेज बढ़िया कि तेजस्वी? तेजस्वी। बिहार में आरजेडी के अंदर बहुत बौखलाहटें हैं, तरह तरह की खबरें भी आ रही हैं आरजेडी को लेकर के। तेजस्वी, तेज प्रताप और जगतानंद सिंह, कौन किस पर कार्यवाही करेगा नहीं करेगा? काजी, तेज प्रताप यादव को आरजेडी में बने रहना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए? अरे, हम लोग राजनीति का बारे में राजनीति कौन पूछ रहा है, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे हैं कि आप उनको साथ देखना चाहते हैं या अलग कर देना चाहते हैं? अलग अलग अच्छा रहेगा। अभी तो उन पर कई को कांड लग रहा है, कि आरोप लग रहा है कि वो मारपीट किए हैं। तेज प्रताप यादव नहीं जानते हैं क्या? नहीं मालूम, नहीं इस विषय में नहीं जानते हैं। तेज तेजस्वी में कौन बढ़िया लगता है? कहा जाता है कि लालू यादव की छवि तेज प्रताप यादव में देखी जाती है। तेजस्वी यादव को सीए डिप्टी सीएम बना दिया जाता है? नहीं, तेजस्वी अच्छा है, वो तो थोड़ा तेजस्वी अच्छा है। तेज प्रताप अच्छा की तेजस्वी? तेजस्वी यादव। सही में? सही में जी। तेज प्रताप की तेजस्वी? तेजस्वी अच्छा है। तेजस्वी कैसे अच्छा है? पढ़ा लिखा इंसान है, और क्या है, बहुत अच्छा आदमी है। बहुत अच्छा आदमी है। अरे अभी जो हल्ला हुआ है उसमें तेजस्वी कुछ करिए नहीं रहे हैं। क्या हुआ? वो एसपी एक्शन लेंगे ना? है? वो एसपी एक्शन लेंगे ना? एसपी एक्शन लेंगे। कब का हाल चल रहा? ठीक बात। तेज प्रताप बढ़िया कि तेजस्वी? जो है सब बढ़िया है। नहीं, दो गो ऑप्शन में पुतो मीठा भतरो मीठ कैसे हो सकता है, कोई एगो बताइए। तेज बढ़िया कि तेजस्वी? तेजस्वी। तेजस्वी लोग तेजस्वी सर सब कह रहा है कि लालू यादव की छवि तेज प्रताप में देखते ना। तेजस्वी सर, तेजस्वी लालू यादव की छवि दिखता है? अरे ना, उससे बोलते हैं ना, वैसे चलते हैं सर, ऐसा हंसाते हैं? बात नहीं है सर, ऐसा बात नहीं है। कैसे बात है? तेजस्वी है, जी सर। हाँ सर, तेज प्रताप से बढ़िया है? हाँ सर। अरे तो तेज प्रताप पर अभी मारपीट करने का आरोप लगा है। अरे तो सर बरियारी का है ना, तो उनको आरजेडी में रहना चाहिए कि निकाल देना चाहिए? आरजेडी में रहना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए? नहीं सर। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, हम पर ऐसा ऐसा आरोप लगता रहता है। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। सब ऐसा बन फंसाया जाता है, भाई भाई को लड़वाया जा रहा है। हाँ, लड़ाया जाता है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। हाँ सर, पहले वाला जमाना नहीं है। पीछे तारा कैमरा चलता का ना, सुंगल रे बड़ा। हाँ, तो भाई भाई को लड़ाया जा रहा है ना? हाँ सर। बताइए ना, दुख होता है का हो? भाई भाई को देख कर, कोई को देख कर जीता है सर, पहले वाला जमाना है सर। का जी, अच्छा ये इसमें नहीं रहते हैं? तेजस्वी बढ़िया है। कैसे बढ़िया है? लोग कहते हैं कि लालू यादव की तरह बोलती भी नहीं है तेजस्वी। तो बोलते नहीं थे, कम से कम उनका बेटा, उनका खून है उनका, तो कुछ प्रताप उनका बेटा नहीं है लालू यादव? हाय कहने हाय तो है ना। हाँ, तेज बढ़िया कि तेजस्वी? चाचा, तेज बढ़िया कि तेजस्वी? हमारे लिए तो दोनों बढ़िया है भैया, इसलिए कि काम करने के लिए हम लोगों को दोनों के लिए चाहिए। अच्छा, दोनों को चाहिए? हाँ, दोनों को चाहिए। दोनों तो अभी आपस में लोग लड़ल है, तेज प्रताप पर आरोप लग गया है, वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। नहीं तो उनको देना नहीं, मारपीट करने का आरोप लगा। नहीं नहीं, इस्तीफा तो उनको देना ही नहीं चाहिए। इस्तीफा नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, इसलिए कि पब्लिक ओपिनियन में हम लोग उनको चाहते हैं। हाँ। तो हम लोग ओपिनियन हम ले रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि वो रहें। अब प्रताप रहे आरजेडी? हाँ, आरजेडी में रहे। अगर रहेंगे तो उन पर जो आरोप लगा है, कह रहे हैं कि जगता बाबू हमारे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, वो तेजस्वी यादव के सलाहकार षड्यंत्र कर रहे हैं, तो कैसे लोग रहेंगे? नहीं तो रहेंगे जो है सो मिलजुल करके रहेंगे, उनके लिए भी उनको सब लोगों को मिलकर करके ठोस थाम करना पड़ेगा। हाँ। उनको शांति करवाना पड़ेगा कि भाई आपस में लड़ कर करके कुछ नहीं हासिल होगा, जनता को देखना है। हाँ, मजा मारेगा दूसरा, इसलिए जनता को यदि देखना है तो दोनों अलग अलग। अभी तो लोग लड़ रहे हैं, तो लड़ने से फायदा क्या हो रहा है सर? जनता को तो जैसे यहाँ दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, जनता को परेशानी नहीं हो रही है? दोनों को साथ रहना चाहिए। साथ रहना चाहिए। परेशानी हो रही है आपको?
अब हमको परेशानी नहीं है, हम मान लिया जाए कि रोजगार नहीं है बिहार में, कुछ नहीं है कोई, सरकार के साथ लड़ना चाहिए, वो घरे में लड़ रहा है इसलिए परेशानी। हाँ जी सही है भाई, भाई लोग तो सर जैसे आपस में चाहते ही है कि हमको तो नहीं ना कि हमसे बहका बहका के बुलवा लिया। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात नहीं है, नहीं बतवा यही एकदम बात सही है सर कि भाई जो है सो मतलब भाई का दुश्मन तो है ही है। हाँ पक्का दुश्मन कर दिया है सर, जब कोई नेता नहीं किया जी कर दिया हूँ। तेज प्रताप कर सकते हैं कि तेज कर देंगे, तेज प्रताप कर देंगे। हाँ जी सर थोड़ा सा हट जाइए, गड़िया पिंपिया रही है चले जाने दीजिए, उसके बाद फिर बतियाएंगे। अरे भैया एक ही साइड में रहिए, गड़िया चले जाने दीजिए, कबेले पेह पेह किए हैं। हाँ तो अब कहाँ गए? अरे हाँ ए चचा तेज बढ़िया की तेजस्वी तेज बड़ा तेज बढ़िया की बढ़िया वही है, बढ़िया तेज प्रताप है। तेजस्वी से बढ़िया है? हाँ कैसे? उसका सोच दूसरा है, वो संत टाइप का आदमी है। संत टाइप का आदमी? हाँ और सोच दूसरा है उसका, इसमें कोई कमी नहीं है। जनता का भला हाँ। संत टाइप का है वो सही है हाँ। कि उनके साथ साथ हम लोग भी हैं हाँ। लेकिन जहाँ काम करने वालों की हाँ। जो है पब्लिक ओपिनियन में चाहिए हाँ। वो चीज उनमें नहीं है। तेज प्रताप काम नहीं कर वो चीज नहीं उनमें, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं हाँ। उनका विचार है कब मथुरा निकल जाएंगे कोई ठीक है? एक मिनट, योगी जी को चला रहे हैं, योगी जी जो योगी है वो चला रहे हैं क्या सर? जी भी तो बोलते हैं झोला उठाएंगे चल जाएंगे, तब वो बोले तो क्या है? तेज प्रताप तेजस्वी यादव अभी लड़ल है आपसे में, लोग आपस में तो आरोप लग रहा है, भाई भाई तो घर फोड़ रहा है का इनका, उनका आपसी बात है। तेजस्वी के चक्कर में चले गए, देखते रहिए इनका, ये सब मीडिया बिकाऊ मीडिया है, ये सब बिकाऊ मीडिया है, ये सब कुछ होने जाने वाला नहीं है। इन लोग का देखिए क्या है, बिकाऊ मीडिया है। अभी कहाँ का बात कर रहे हैं आप, तेजस्वी का बात कर ले, अभी हम बात करना शुरू किए थे हाँ, कहाँ का बात आप बताइए, कहाँ का? यहाँ दस लोग भी आप लोग जो है, हम क्या पूछ रहे हैं अभी आपसे, अभी आपसे क्या बात करेंगे, जान पड़ रहा है जो बिकाऊ मीडिया का आरोप बंद कीजिए उसका बता कर तो चाहिए, अभी बंद कीजिए, क्यों बंद करिए, नहीं बात करेंगे। अरे भैया आपका अभी अजान पड़ा, खामोश रहिए, अजान पढ़िए ना आप, अजान पढ़िए, हमको काहे बंद करा रहे हैं, बंद करिए, खामोश मत समझाइए, अजान के समय शुभ शुभ तो बोल लीजिए, शुभ शुभ तो बोल लीजिए, गलत नहीं बोली। आपको पता ही नहीं है कि हमने किस पर स्टोरी शुरू किया, आपको पता है हमने किस पर स्टोरी शुरू किया, आपको पता है, आपको पता है, ज्ञानी बनिए ज्ञानचंद नहीं, ज्ञानी बनिए ज्ञानचंद नहीं। अरे तब खरीद लो ना, तू हूँ दो चार को खरीद के लेके घूमो, खरीद लेंगे। अरे तार भी कबू ना होई, कबू होई तार लगाता बेवकूफ आदमी कहीं का। चलिए फिर कोई बात नहीं, कट मत करिए, चलने दीजिए, कंटिन्यू करने दीजिए। ऐसे ऐसे बकायत तो लोगों से कैसे निपटना है हाँ। वो हम जानते हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, दो दो को बॉडीगार्डो लेकर के घूमते हैं, एगो कैमरा पर्सन है, टीम पूरा मजबूत मिला है, टेंशन की बात नहीं है, कंटिन्यू करते हैं है। बात है सिर्फ और सिर्फ आरजेडी कलह को लेकर के, सरकार पर हमने बहुत बात किया, अभी कुछ देर पहले ही हमने नींबू पर स्टोरी करके आपको दिखाया था, उससे पहले बढ़ती महंगाई पर स्टोरी करके दिखाया था, अब ऐसे ऐसे ज्ञानचंद ये कैसे पैदा हो गए पता ही नहीं चलता है, किसकी देन है, 70 सालों से जो राज कर रहा है भैया उसकी देन हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैदावार जो ये बढ़े हैं ज्ञानचंदों के वो मोदी राज में बढ़े हैं और महंगाई भी बढ़ी रही है। फिर से आते हैं टॉपिक पर, बहुत हो गया लेक्चर, चाय तो आपका गिरिए गया, बोलिए कोई बात नहीं उसके लिए, बोलिए चाय वाला सरकार में बनल है, महंगाई बढ़िए रहा है, इधर दूध को भाई आपसे में लड़ल है, तो क्या लगता है इन दोनों को लड़ाई सुलह कर लेना चाहिए या फिर आरजेडी से तेज प्रताप को इस्तीफा देकर अपना अलग राह देखना चाहिए? दोनों अपने आपस में सुलह कर लेगा, ये बात जरूर है। कैसे सुलह होगा, हर बार लड़ते ही लड़ते हैं, तो क्या भाई भाई में होता है, बाप बेटा में होता है, उन लोग चचा बैठे हैं ना हाँ, तो उससे क्या हुआ, वो सब ठीक हो जाएगा, वो सब कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा सर, तो कहे नहीं लग रहा, हो जाएगा, सुनिए भाई भाई में किसी जरे बाप मतारी में होता है, कौन रहा है जगता बाबू का? अरे वाले लोग हैं, राजनीतिक वाले लड़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, भाई भाई में लड़ा भी सकते हैं, लड़ा भी सकते हैं, लड़ा सकते हैं, तो भैया ये चीज तो समझना पड़ेगा ना, लड़ना नहीं चाहिए, आपस में समझाओ, तेज बढ़िया की तेजस्वी, दोनों बढ़िया है, दोनों आप अपनी बढ़िया बढ़िया, आप किसको बेहतर नेता मानते हैं? तेजस्वी को लालू यादव की छवि कहा जाता है कि हम तेज प्रताप में देखते हैं, लोग कहते हैं अच्छा, लोग से बोलते हैं, चलते हैं, हंसाते हैं, कमेडी कर लेते हैं और राजनीति भी करिए लेते हैं, करिए लेते हैं, बराबर है। तो लालू यादव की छवि किस में, तेजस्वी में कि तेज प्रताप में? तेजस्वी में ही है, तेजस्वी में ही है, तेजस्वी है, अच्छा
अच्छा दोनों लोग अभी आपस में लड़ल है, दोनों लोग नहीं लड़ल है, तेज प्रताप के ऊपर मारपीट का आरोप लगा। अरे राजनीतिक लड़ा दिया रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक एक चीज है, दोनों भाई भाई में लड़ा दिया रहेगा। राजनीति में लड़ते ही हैं, आपस में फिर मिलते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो कोई बड़ी सुलह कर लेना चाहिए आराम से हो जाएगा। बड़ी भड़के हैं, कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे। अरे बोल रहे उससे क्या हुआ, बोलने से क्या होगा, बोलने से ठीक आपस में मिल जाएंगे होंगे, लेकिन गरम दल में बोल दिए होगा सर। लेकिन अब दोनों एक ही पार्टी में है तो दोनों का ऐसा नहीं है कि जरूरी हो दोनों का मिले, हाँ ये बात है। हाँ तो देखिए ना, दोनों लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो भी एक समस्या है। का चाचा कैसे हैं? हेलो स्टाफ है ना? हाँ बोलिए का। तो आप स्टाफ है तो कुछ तो बयान देंगे। अरे इधर बनाइए ना, इधर सरकारी कर्मी कोई बयान देते नहीं। इधर जाइए, इधर गिर लगाइए भैया। देखिए इधर 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 इनका भैया, हमने तो उनसे पूछ के ये किया है कि आपके आपके चाय बड़ी भीड़ है भैया, बहुत। अच्छा उसलिए कह रहे हैं, भीड़ तो ऐसे ही आबादी बढ़ गई है, दिमाग ऐसी खराब है, देखने रहे दिल्ली में बढ़ गया है, उस सबको झूठ मूठ के आप भीड़ लगा के लगवा दीजिएगा। एक ओकर पहने हैं ना, पहने का किसके पास मास्क है? पास भी नहीं तो मेरे पास भी नहीं, देख रहे किसके पास है, आपके पास भी नहीं है। देख कोरोना मानते क्या? मानता नहीं है, मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा, भीड़ नहीं लगा। चुनाव खत्म, कोरोना आ गया, चलो उधर जा। ये देखिए कोरोना को लेकर के हमारी भी पड़ताल उसी अंदाज में रहेगी कि भैया कोरोना से जारी किए गए, कोरोना को लेकर जो भी जारी किया गया है गाइडलाइन उसका आप पालन करते रहिए। लेकिन फिलहाल इतने लोगों से बातचीत करने के बाद आपको क्या लगता है, तेज बढ़िया की तेजस्वी तेज प्रताप? लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप में लालू यादव की छवि दिखती है, वैसा तो नहीं लगता है। कहते हैं कि लोग बोलते हैं उसी तरीके से, हाँ हंसाते हैं, राजनीति करिए लेते हैं जी, मिला जुला कर लेते हैं। तेज प्रताप तेज बढ़िया तेजस्वी तेजस्वी बढ़िया है, लालू यादव नहीं बढ़िया है? नहीं लालू तो उनके औलादे है, तब नहीं वो तो गुरु हो गए। अच्छा अभी झगड़ा चल रहा है आरजेडी में, अब उतना तो खैर हमको पता नहीं, नहीं है, पता है। नहीं। अरे तेज प्रताप बड़ी गुस्से में है, कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, सही में मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे? हो सकता, कुछ भी हो सकता है। इस्तीफा उनको देना चाहिए कि सुलह करके आपसे घर में रह जाना चाहिए? ना दे देना चाहिए, देना नहीं चाहिए कुछ, अपना कर लेना चाहिए, का सुलह कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। हाँ चलिए हम सुलह करवा देते हैं। तेज प्रताप जी थोड़ा गुस्सा को कम कर लीजिए और जनता जो कह रही है उसको आप ध्यान दीजिए। हालांकि जिस तरीके से हम लोगों से राय जानने आए थे कि खास तौर पर तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, और दूसरी बात यह है कि आरजेडी में चल रहे कलह पर लोगों का क्या विचार है, लोगों का विचार आप इस खबर को देखने के बाद समझ ही गए होंगे। आप खुद तय कर लीजिए कि क्या आरजेडी से तेज प्रताप यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर आरजेडी में बने रहना चाहिए, सारी मुश्किलों का समाधान रह के साथ में निकालना चाहिए। आखिरकार तेजस्वी को लड़ाने वाला कौन है? तेज प्रताप यादव का आरोप जरूर लग रहे हैं, लेकिन वो आरोप कितना बुनियादी है इस पर विचार करने लायक है। तेज प्रताप यादव जब सामने आएंगे बयान देंगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि अभी फिलहाल इस्तीफा की पेशकश उन्होंने जरूर कर दी है, जब भी अपने पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात होगी तो इस्तीफा देने की बात जरूर कह रहे हैं। देंगे या नहीं आगे आपको बताएंगे, क्योंकि पता तो हमें भी नहीं है, जब देंगे तो पता चलेगा और चलेगा तो हम आप तक खबरें पहुंचाएंगे। इसके लिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर एक खबर से हम आपको अपडेट रखने के लिए, आप तक खबरें पहुंचाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध रहते हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए है।